हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। आज हम करेंगे परमानेंट पमिंग कैसे होती है वो देखते हैं। स्टेप टू स्टेप देखते रहिए, पूरे प्रोसेस विद प्रोडक्ट बताया जाएगा। ओके, डन। कैसे क्या कराना है बताओ? पमिंग करानी है। कैसे? परमानेंट वाली। आज बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, कम फास्ट 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 फास्ट। इस सर आए फास्ट फास्ट पास, बाल दिखाओ। सर को परमानेंट पमिंग करानी है। अब लड़कियों के तो करते हो आप, लड़कियों के पमिंग करने में क्या है कि बड़े बाल होते हैं, इजीली हो जाते हैं, उसमें आप मोटे रोलर्स लेते हो। अब इतने मोटे रोलर्स में इस पर लगा दूंगा जिसको आप नॉर्मल पमिंग कहते हो, तो एक रोज नहीं आएगा, फिर उनके वेव्स आ जाएगा। तो लड़कों में बेसिकली ना पेंसिल रोलर्स लगते हैं जो बिल्कुल पतले वाले होते हैं। जब पतले वाले लगाते हो जब जाके वो ऐसा कुछ कल साफ है। जितने भी रोलर्स लगाओ उसका डबल आता है वो रोल जो आता है बाद में खुलने के बाद। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी लड़कों के छोटे बालों में, अब इनके बाल इतने लंबे होते हैं, अब लड़का लड़की छोड़ दो, बाल लंबे छोटे समझो, बाल लंबे होते जब तो हम वो वाले नॉर्मल कर्ल्स करेंगे मैगी के या पमिंग के कर्ल्स करेंगे। अदरवाइज जब छोटे बाल हो तो हम की कर्ल्स कहते हैं, इसको मैगी कर्ल्स कहते हैं। मैगी कर्ल्स हैं छोटे 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 छोटे, उनको मैगी या की कर्ल्स कहते हैं। तो वो करते कैसे हैं, क्या क्या उनके टूल्स हैं, क्या गैजेट हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, स्टेप टू स्टेप बताएंगे। उससे पहले वॉश कर लो, सेम एज स्मूथनिंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली वॉश होगा, पूरा ऑयल निकलना चाहिए, बाल बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। जब भी बोन चेंज होगा उसका परमानेंट चेंज करना है, टेम्परेरी नहीं है, ठीक है? ओके, लेट्स हैव वॉश। सो डेली अपडेट के लिए आपके पास इंस्टाग्राम दिखा दिया है साइड में, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आप अपने DM कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर इसके नीचे दिख रहा है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप वीडियो बना के भेज सकते हैं। आपने ये किया और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो का ही रिप्लाई दिया जाएगा, मैसेज का नहीं। पहले बता दें, बहुत सारे मैसेज होते हैं वीडियोज़ में, मुझे पीछे बैकहेंड से वीडियो आ जाती है तो उनका मैं रिप्लाई दे पाऊँगा। रेस्ट आपको बता दें, पमिंग के लिए सबसे पहले बहुत अच्छा सा वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन। जैसे आप केराटिन के अंदर 2-3 बार वॉश करते हैं तो पमिंग में भी आप 2 बार वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हेयर में से ऑयल और डस्ट बिल्कुल निकल जाना चाहिए परफेक्ट तरीके से। जैसे आपने देख लिया, हम चेक भी कर रहे हैं कि हेयर को देखिए, ऐसे आपको चेक करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद आप ड्राई कर लीजिए हेयर को, एज यूजल आपने देखा है जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे करके आप बिल्कुल फिनिशिंग। अगर ये क्राउन सेक्शन पे करना है, इनके क्राउन सेक्शन पे ही बाल हैं, अगर किसी के पूरे भी बाल है, जस्ट इमेजिन कोई लड़की ही कराए तो सारे बालों में कराएगी, तो जैसे ही करना है वैसे ही करना है, सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है? आप देखिए स्टेप टू स्टेप, इसमें आप कैसा भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। लोरिल, वो पमिंग के लिए लोरिल का डल्शी आता है, ये वेलोसिटी आती है, पमिंग लोशन आते हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई से भी ला के लगा सकते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 2, हर चीज़ के स्मूथनिंग के भी बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं, कलर भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लोरिल के, शॉर्चकॉफ के, वेला के, स्ट्रिक्स के, ऐसे पमिंग लोशन भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, नाम आपको बता दिए गए हैं पहले ही, ठीक है? बस इतना सा फैक्ट है। उसके बाद आपको सबसे पहले वॉश करके आपको दिखा दिया ड्राई करके, उसके बाद आपको पमिंग लोशन लगाना है, फिर उसके ऊपर बटर पेपर, ऐसे बटर पेपर है वाइट वाइट वुडन का, प्लास्टिक के भी रोलर्स आते हैं, आप ले सकते हैं और अपनी मर्जी से जितना मोटा रोलर लेंगे उतना मोटे कल्स आएंगे। मेरा सुझाव है कि आप थोड़े पतले लें क्योंकि खुल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी ढीली हो जाती हैं। जितना भी आपको कल्स या वेव्स चाहिए तो उसके हिसाब से थोड़ा एक साइज़ छोटा ही लें, जब वो करेंगे जब जाके वो निकलता है, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आपने देखा कि मैं इसको यहाँ से अपवर्ड की तरफ मोड़ रहा हूँ क्योंकि इनका क्राउन सेक्शन है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसा मोड़ा। आधे बालों को मैं उधर अपवर्ड फ्रंट की तरफ ले जाऊँगा और फ्रंट से फिर बाकी के आगे के बालों को पीछे की तरफ लाऊँगा। देखते रहिए, पहले लोशन लगाना है, फिर वुडन के ऊपर पेपर रोल लगा के इसको रोल करना है। देखिए ऐसे बस सिंपल सा रोल करते बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आराम आराम से करिएगा, टाइम टेकिंग हो सकता है, आप जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल प्रोसेस को आप देखते रहें ऐसे करते। अब देखो ये मिड से मैं बाहर अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ ना फ्रंट को, तो ये दोनों आपस में कोलैब हो जाएंगे जैसे कि ये बंच ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंपल सा वॉश करना है, पमिंग लोशन लगाना है स्टेप टू स्टेप और ये बाइंड करते हुए चलते रहना है। जैसे जैसे आप बाइंड करेंगे उसके बाद इनके ऊपर डैप डैप करके बार बार आप पमिंग लोशन लगाते रहेंगे। जब भी आपकी ये पूरा हो जाए प्रोसेस, हर 10-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए पमिंग लोशन, और उसके बाद आप 1 घंटे बाद इनको खोल दीजिए। 45 मिनट्स का टाइम होता है, किसी भी पमिंग लोशन पर टाइम लिखा होगा, जैसे स्मूथनिंग क्रीम का टाइम होता है, वो स्मूथनिंग परमानेंट टेढ़ा करती है, वो सीधा करती है, ये परमानेंट कल्स करती है, बस फर्क इतना है। बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम साइड में दिख ही रहा है, आप अपनी वीडियोज़ बना के मुझे ज़रूर भेजिएगा व्हाट्सअप पे और या फिर इंस्टाग्राम पे कि मैंने ऐसे किया ऐसे हो गया, और थैंक यू। जैसा भी आपको लगे आप बता सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट बार आगे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके फिर हमने बाइंड किया, क्योंकि जिससे कि इसमें थोड़ा और बाउंस क्रिएट होगा। इतनी सी बात है, देख रहे हैं आप स्टेप टू स्टेप, अंदर जो वाइट वाइट है वो बटर पेपर है, वो आप बाहर से ले सकते हो, और वुडन रोलर आप जैसा मर्जी ले सकते हैं, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं आपने देखा ये प्रोसेस पूरा हो गया है,
इसके बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर, 45 मिनट का इसका टाइम है, जो 45 मिनट्स का इसका जो टाइम है उसके अंदर आप हर 10-5 मिनट बाद इसको डैप डैप करेंगे अपने पमिंग लोशन से। उसके बाद इनको हम ले जाएंगे, जैसे मैं देखो आप डैप डैप कर रहे हैं ना, आपको ऐसे डैप डैप करना है थोड़ी थोड़ी देर में, 45 मिनट्स टू मैक्सिमम बना रहा आपको इसको रखना है। उसके बाद इसको शैम्पू स्टेशन पे ले जाएंगे, शैम्पू स्टेशन पे ले जाके सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, और उसका जो सॉल्ट है उसके अंदर 10 ग्राम 200 ml पानी के अंदर मिला के उससे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे कि इसका जो वेव है वो पक्का हो जाए, जैसे बोन जो टूटा है पमिंग लोशन से वो हो जाए। जितना पमिंग लोशन बचा था मैं इन पर सारा घेर दूँ अभी, आप देखिए स्टेप टू स्टेप। ऐसे टाइम करते वक्त मेरा, मैंने देख लिया था एक रोलर खोल के, जिससे मतलब इनका कल्स आ गया था, तो आप ऐसे ऐसे जब भी घेरेंगे तो आप नीचे एक बाउल लगा लेंगे, जैसे अभी लगाया ना, तो आप पहले ही बाउल लगा लेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका बोन ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेते हुए, ठीक है। बस इतनी सी फैक्ट था। उसके बाद अब इसके ऊपर, अब इसको हम पानी से धोएंगे, उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए पमिंग लोशन के साथ ही एक दूसरा लोशन आता है, कईयों में बना बनाया आता है, कईयों में वो सॉल्ट अलग से दे दिया जाता है, तो उसके अंदर आप पानी मिला के इसमें 20-30 ग्राम उस पर लिखा होता है, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होगा। देखो मैंने इसमें वाइट वाइट मिलाया ना, ये आता है नमक, इसको कह लो सॉल्ट कह लो या कुछ भी कह लो, इसको घोल के इनको ऐसे बालों पे गिरना है, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये लिक्विड न्यूट्रलाइजर है एक तरीके से, जैसे स्मूदनिंग में आप वैसे लगाते हो, ये लिक्विड है, ठीक है। इतने से फैक्ट है, देखिए आप स्टेप टू स्टेप नीचे ऐसे लगा सकते हैं, आप बड़े भी बाउल लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी जैसे आपको कंफर्ट जोन हो वैसा करिए। आप इसको 10 मिनट तक करिए, 10 मिनट के बाद इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद इस पर मास्क वगैरह लगा सकते हो आप, मास्क जिसको आप हेयर स्प्रे या फिर कंडीशनर कहते हो वो लगा दीजिए इसके, नहीं तो बहुत रफ हो जाएगी आपकी पमिंग, ध्यान रखना पमिंग रफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे काफ़ी पमिंग के बाद हेयर जो है रफ हो जाता है, वो रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमने देख लिया इनको डैप डैप करके सुखा लेंगे हम, सुखा के इनको धीरे धीरे खोल के पहले इस पर हल्का सा हम मूज वूज लगा के इसको डैप कर लेंगे, देखिए प्रॉपर, क्योंकि ये एकदम से पानी तो निकलेगा नहीं, धीरे धीरे पानी टपकेगा, क्लाइंट के फेस पे भी टपक सकता है, तो पानी धीरे धीरे डैप डैप करके देखो ये पोंछ रहे ना, तो आप पहले क्लाइंट को बोल देना, देखो टिश्यू दे देना, या फिर आप बोल सकते हो कि अब इसके अंदर से एकदम से पानी तो निकलेगा नहीं, अब अगर आप इस पर ड्रायर भी मारोगे तो भी नहीं। अब ये देखो मैं इसके अंदर मूज लगा रहा हूँ, मूज से क्या है थोड़ा सा ये कड़क हो जाएगा, कड़क इन द सेंस स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा, और जो बोन इनका फिक्स हुआ है वो और ज़्यादा मतलब कड़क होकर और ज़्यादा फिक्स रहेगा। मूज या फिर किसी भी प्रोडक्ट में मैं कुछ भी कराता हूँ तो बोलता हूँ कंजूसी नहीं करनी है, इतने से बालों में मैंने इतना लगा दिया, सोचो अगर लड़की के बालों पर आप पमिंग करोगे तो कितना मूज लगेगा, आधे से ज़्यादा एक एक मूज ख़त्म हो जाता है एक पमिंग के अंदर, ठीक है। बिल्कुल प्यार से करना है सारा काम, इसको 5 मिनट अपने आप ही मूज क्या है थोड़ी सी देर में वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब आपने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया, खुलेगा तो साइड में इंस्टाग्राम दिख रहा है, मुझे वीडियो बनाकर जरूर भेजना, इस साइड व्हाट्सअप नंबर है, आपने करी हो या इससे पहले किसी भी वीडियो से कोई कलर या स्मूदनिंग करी हो तो मुझे व्हाट्सअप पे वीडियो ज़रूर भेजे अपनी काम की, हम उसको यूट्यूब पे दिखाएंगे, ठीक है। ओके ये देखिए आप, मैं इसको 5-10 मिनट रखने के बाद अभी खोल रहा हूँ, जब ये अपने आप में सूख गया है आप ये देखेंगे, ये एकदम से पूरा कल्स होके निकलेगा, ये प्रॉपर कल्स देखो, ऐसे करके आप सारे खोलेंगे धीरे धीरे, प्रॉपर कल्स आपको प्रॉपर मिलेंगे इसके अंदर, कोई इशूज़ नहीं है, स्टेप मतलब प्रोसेस में कुछ भी हाइड नहीं है, देखिए प्रॉपर कल्स आ गए ना, ये परमानेंट कल्स आ गए, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर दोबारा एक बार हम मूज लगा देंगे, जिससे कि ये और पक्के हो जाएं, ये देखिए ऐसे करके ऐसे गोल गोल करके आपको खोलना है इसको, वापस वहीं चला गया ना, देखो सूखने के बाद लग रहा है ना कल्स। अभी इनको प्रॉपर को आपको फिंगर मार के नहीं खोलना, और क्लाइंट को बोल देना है कि आप गीले बालों में कॉम या फिंगर नहीं मारेंगे, बाल सूखने के बाद आप उनको करेंगे, उससे पहले एक मूज रेकमेंड करना है होम केयर के लिए क्लाइंट को, कि मैम या सर जो भी आप करा रहे हैं, जिसने भी पमिंग कराई है उसको आप बोलिए कि मूज ले जाइए, नहाने के बाद आप इसको मूज लगा के हल्का सा ड्राई करके इसको कड़क कर दीजिए, और जब मूज सूख जाए या सारे बाल सूख जाए उसके बाद आप हाथ मार के उनको सेट करिए। गीले बालों पे पमिंग वाले बालों पे अगर आप हाथ मारेंगे तो वो खुलने के चांसेस रहते हैं, एक इसका मतलब ये नहीं कि खुल ही जाएंगे, मतलब धीरे धीरे जल्दी खुलने लग जाएगी, जहाँ पे 6-7 महीने साल भर चलनी है वहाँ पे 2-4 महीने कम चलेगी, इतना सा फ़र्क है। आप देखिए कैसा लग रहा है रिजल्ट, आप बताइएगा, कुछ भी इसमें हाइड नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। कुछ इश्यूज़ हैं तो वो आप वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। ओके थैंक यू।